एवं मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के तहत अग्रवाल उत्थान ट्रस्ट एवं अग्रवाल युवा संगठन के संयुक्त तत्वाधान में शहर के रामलीला मैदान में दूसरा विशाल मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अतिथि पड़ोसी प्रदेश राजस्थान में नौहर के नवनिर्वाचित विधायक अमित चाचाण, सिरसा के युवा भाजपा नेता मनीष सिंगला, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव नवीन केडिया, नवगठित जननायक जनता पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष अजब ओला व नगरपालिका के चेयरमैन रविंद्र कुमार लड्ढा थे। समाजसेवी दीपक अरोड़ा ने स्वागतकर्ता की भूमिका निभाई। सभी अतिथियों ने माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके विधिवत रूप से इस मेले का शुभारंभ किया। इस मेले में भाग लेने के लिए शहर के सैकड़ों महिला पुरुष व छोटे बच्चे आए। इस अवसर पर श्री श्याम आर्ट ग्रुप के कलाकारों ने बहुत ही शानदार झांकियां प्रस्तुत करके उपस्थित जनों का मन मोह लिया। उनका भी जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। और इसके साथ साथ एक और शख्सियत जिनका नाम मैं सम्मान के साथ लेना चाहूंगा, नवीन केडिया जी, महासचिव हरियाणा कांग्रेस कमेटी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और एक और युवा नेता हमारे बीच इस कार्यक्रम में बैठे हैं, उनका भी सम्मान और आदर लेना चाहूंगा, अजब ओला, युवा जिला अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और अब मैं नाम लेना चाहूंगा सम्मान के साथ रवि जी नड्डा, चेयरमैन नगर पालिका इलाहाबाद, जिन्होंने इलाहाबाद को बहुत ही सुंदर रूप देने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। हमारे निगरानी कमेटी के अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। बिना देरी किए हुए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे आज के अतिथि मंच पर आए और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत जो है ज्योति प्रज्वलित करके करेंगे। और आज के जो बच्चों के समर्पित जो आयोग संस्था की ओर से छोटे बच्चों के लिए विभिन्न स्टाले लगाई गई थी, जिनका छोटे छोटे बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया।
अवार्ड ग्रुप राकेश अग्रवाल फ्रॉम हैदराबाद। Bye.
तुम दुनिया की रक्षा करती है, अब तेरी रक्षा कौन करेगा देखते हैं। ऊपर से नीम के पत्तों की माला। तुझे हजार आंखों वाली कहते हैं, यहां तो सिर्फ दो ही आंखें हैं, उन्हें भी अब मैं निकालने वाला हूं। आगमन हुआ यहाँ का जो अग्रवाल युवा समिति द्वारा जो आज का ये शानदार कार्यक्रम किया गया, ये देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। सभी इलाहाबाद वासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
अग्रवाल समाज का कार्यक्रम है आप अपने और श्री प्रवीण जी आज अग्रवाल समाज का कार्यक्रम को मैं बारी बारी से दो दो उद्देश्य से है। आज हमारा छोटा भाई अमित चौहान जी विधायक बनने के बाद सबसे पहली बार इलाहाबाद में पूरी इलाहाबाद अग्रवाल समाज की तरफ से इनका भव्य स्वागत किया गया और मैं भी इनका स्वागत करने के लिए यहाँ आमंत्रित हुआ कि हमारे समाज का एक होनहार हीरा आगे निकला है और मेरी तरफ से और पूरे समाज की तरफ से भाई चचान को बधाई। और साथ ही आज त्योहार का दिन है, लोहड़ी का और मकर संक्रांति का दिन है, मैं मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से पूरे अग्रवाल समाज को और पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को और जिला प्रदेशवासियों को इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ये अपने आप में अग्रवाल युवा समाज के द्वारा रखा गया कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है। मैं इस पूरी की पूरी अग्रवाल युवा टीम को अभी इनका ये दूसरा कार्यक्रम है बहुत बहुत अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अग्रवाल युवा सभा इलाहाबाद हमेशा ही और उत्साह के साथ इस तरह के कार्यक्रम समाज सेवा के कार्यक्रम करती रहेगी। उसमें मैंने दो कविताएं लिखी हैं। आज इलाहाबाद वासियों को मकर संक्रांति लोहड़ी की बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अग्रवाल युवा संगठन अग्रवाल उत्थान ट्रस्ट जिन्होंने आज ये कार्य किए है बहुत बहुत अच्छा काम किया है, नेक कार्य किए है इन्होंने, इन सभी अग्रवाल युवा संगठन को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज उत्थान अग्रवाल उत्थान ट्रस्ट व अग्रवाल युवा संगठन के द्वारा लोहड़ी के पावन पर्व के उपलक्ष्य पर इस दूसरे विशाल मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का लगाने का मकसद यह है कि बच्चे इंजॉय कर सकें, महिलाएं इंजॉय कर सकें और भाईचारा एक मंच पर कायम हो सके। मेन मकसद शांति का प्रतीक, उन्नति का प्रतीक जो अपना लोहड़ी का त्यौहार है उसे धूमधाम से मनाया जा सके। मेले में फास्ट फूड की स्टालें थी, गेम्स था और मंच के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कोई भी बच्चा पोइम भजन अपनी एक्टिविटी मंच पर दिया जा सकता था। संस्था के द्वारा उस बच्चे को सम्मानित किया गया। सम्मानित करने का मकसद यह था कि वह भविष्य में आगे बढ़ सके और उसका जो कार्यक्रम में प्रभावी मंच संचालन हास्य कलाकार व रिटायर्ड नायब तहसीलदार बीएम नागर और ओपी पारिक ने किया। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल डी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि हमारा अगला वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। तब तक आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डी। धन्यवाद।